मेरठ के भावनपुर थाना इलाके में एक बार फिर सरकारी चिकित्सा व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। प्रसव पीड़ा के दौरान एक महिला को स्ट्रेचर न मिलने पर उसकी कार में ही डिलीवरी को करवाना पड़ा। वहीं आपको बताते चलें कि इस मामले में स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी लापरवाही सामने आई है। वहीं सीएमओ ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है। भी लेनी जरूरी है सर। एक मामला सामने आया है पीएससी हॉस्पिटल का कि गाड़ी में डिलीवरी करा दी गई है, स्ट्रेचर पे सामान रखा हुआ था, क्या पूरा मामला है? मेरी संज्ञान में ये मामला है। कल शाम 5 बजे की बात है, ये भावनपुर पीएससी की बात है। एक प्राइवेट नर्स उसमें एम्बुलेंस में एक मरीज को डिलीवरी के लिए लाया जा रहा था, तो उसकी रास्ते में आधा बच्चा उसका आधी डिलीवरी हो चुकी थी। जब वहां पहुंचे तो स्टाफ नर्स को उन्होंने गेट पे बुलाया कि वहीं देख लें जिससे कि जच्चा बच्चा को ट्रांसपोर्ट करने में कोई हानि ना हो। और जो आप सामान की बात कर रहे हो उसमें दवाइयां वो ट्रांसफर कर रहे थे, लेकिन दूसरा स्ट्रेचर उनका इमरजेंसी में ऑलरेडी रखा हुआ था उनके पास। ऐसा नहीं कि एक ही स्ट्रेचर हो, स्ट्रेचर उनके पास था, पर जानबूझ के उस समय मरीज की सेफ्टी के लिए उनको ट्रांसफर नहीं किया गया तुरंत। जब डिलीवरी स्टाफ नर्स ने गाड़ी में ही करवा दी उसकी, उसके बाद उसको व्हील चेयर से अंतर वार्ड में लिया गया है और दोनों मरीज और उसका बच्चा अभी सुरक्षित हैं, दोनों वहां पे एडमिट हैं। सर, आरोप लग रहे हैं, परिजन बता रहे हैं कि एक ही स्ट्रेचर वहां पर मौजूद थी उस समय बाहर। हाँ, वो मैंने भी पूछा स्पेशली, तो उन्होंने कहा जी बाहर गैलरी में एक ही स्ट्रेचर था, दूसरा स्ट्रेचर सामने ही इमरजेंसी रूम है, इमरजेंसी रूम में उनके पास रखा हुआ था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। व्हील चेयर भी उनके पास है, स्ट्रेचर का कोई इशू नहीं था। इशू यही था कि उस समय मरीज को ट्रांसफर करना गाड़ी में से ठीक नहीं था क्योंकि आधा बच्चा उसका बाहर था, तो डिलीवरी इसलिए इमरजेंसी में गाड़ी नहीं करवाई गई। तो सर, सुरक्षा को लेकर इसलिए गाड़ी में डिलीवरी कराई गई? मेरा ये कहना है कि मरीज की सुरक्षा के लिए गाड़ी में डिलीवरी कराई गई, और मेरा ये भी कहना है कि थोड़ा समय से अस्पताल में पहुंच जाएं जिससे कि ऐसी घटनाएं ना हो जिससे कि रास्ते में डिलीवरी वगैरह हो जाती है हिलने डुलने से, दचकी लगने से। ठीक है।